नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें बिल्कुल आप सभी लोग हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है CHA व CHO ने जताया रोष, कहा कोविड में सेवाएं ली और अब हटाना गलत। तो दोस्तों, CHA कोविड हेल्थ जो असिस्टेंट्स हैं, साथ ही साथ CHO, जैसे कि यहाँ पे लिखा है CHO तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, तो ये सभी कैंडिडेट्स द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा। किस चीज़ को लेके ये प्रदर्शन यहाँ पे काफ़ी समय से चल रहा है, तो ये जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। देख सकते हैं दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी हाल ही में ये आर्टिकल कुछ ही समय पहले पब्लिश कर दिया गया, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी जानकारी ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब करें, बटन को वहाँ पे क्लिक करें, हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, उसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी समय से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। इसकी खास वजह क्या है, तो आप लोगों को इस वाले पैराग्राफ में जानकारी मिल जाएगी। लिखा है कोविड के समय कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए CHO और CHA की सेवाएं 31 मार्च से ख़त्म करने को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना रहा कि जब कोविड में जान को जोखिम में डालकर सेवाएं दी तो उनको संविदा कैडर में शामिल कर सम्मानजनक वेतन भी दें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो धरना, जो प्रदर्शन यहाँ पे जो किया जा रहा, जो भी न्यूली रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो आयोजित करा गया था कोविड के टाइम पे CHO की पोस्ट के लिए, और CHO मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जैसा कि यहाँ पे लिखा है, और CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट, तो इनकी जो सेवाएं हैं, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 31 मार्च को ये ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। तो 31 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी और ख़त्म करने को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं अजमेर के कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन पर यहाँ पे आ गए, विरोध यहाँ पे प्रदर्शन किया। फिर बाद में मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन भी सौंपा गया और इन सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे मानना है कि कोविड में जान का जोखिम को डालकर यहाँ पे सेवाएं दी, लेकिन संविदा के कैडर में ना तो इनको कैंडिडेट्स को शामिल किया और ना ही सम्मानजनक वेतन भी दिया। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे CHO और CHA, इनका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ 31 मार्च को, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। काफ़ी समय से ये आंदोलन यहाँ पे जारी है। इसके बाद दोस्तों देखिए, नीचे और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि कोविड के समय करीब 25,000 कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड हेल्थ कंसल्टेंट CHO और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट CHA को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग के काम को लगाया गया। इसके अलावा कोविड मरीजों का घर घर सर्वे और उन्हें दवाइयां देने के लिए भी हमें लगाया गया था। अब जब कोरोना ख़त्म हो गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगभग पूरा हो गया, तो 31 मार्च को एक आदेश जारी करके सभी को नौकरी से हटा दिया। इसको लेकर जयपुर में 28 दिनों से विरोध कर रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब अजमेर में धरना देकर विरोध प्रकट किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संविदा कैडर में शामिल करने व सम्मानजनक वेतन देने की मांग यहाँ पे की जा रही। तो जितने भी न्यूली रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो आयोजित कराया गया था, न्यूली जो कैंडिडेट्स रिक्रूट किए गए थे CHA और कोविड हेल्थ असिस्टेंट और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया और ऐसा नोटिस देकर कैंडिडेट्स को बाहर यहाँ पे कर दिया गया, ऐसा यहाँ पे लिखा भी है। 31 मार्च को एक आदेश जारी करके सभी को नौकरी से हटा दिया, तो नौकरी से यहाँ पे हटा दिया गया कैंडिडेट्स को। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा और अभी तक कोई भी सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई, और कैंडिडेट्स का ऐसा यहाँ पे मानना है कि सम्मानजनक वेतन भी इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ऐसी यहाँ पे मांग यहाँ पे की जा रही है और संविदा के कैडर में इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे शामिल किया जाए, तो ये भी इन सभी कैंडिडेट्स की मांग यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी, आगे जो भी जानकारी आप लोगों को ऑफिशियली प्रोवाइड कराई जाएगी मैं आपको वीडियो कवर यहाँ पे कर दूंगा। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर कर ली। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है इसको लेकर यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला। और इसके बाद यदि कोई और जानकारी आती है तो वो भी मैं आगे यहाँ पे कवर कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई यदि इन्फॉर्मेशन आगे रहती है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें,
हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।